नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जो आज बनाई हूँ स्वीट डिश, जिसको हम कहेंगे दूध सेवई, और ये बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने दूध रखा है, और ये दूध हमने जो ली, जितना हमने सेवई बनानी है उसी के ही हिसाब से हमने क्वांटिटी में दूध ले लेना है। तो ये जो हमने सेवइयाँ ली हैं, मार्केट में मिलती हैं ये सब। और ये देखिए, हमारी सेवई जो है रोस्ट की हुई है, हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी वाइट कलर में सेवई मिलती हैं तो उसको आपको रोस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी लंबी साइज़ में होती हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े कर लूँगी। इसको बिल्कुल एकदम लंबे लंबी सेवई नहीं उबालूँगी दूध में। और दूध में यहाँ पे हमने डालने हैं पहले इसमें शुगर, जितना मीठा आपको रखना है उतना ही। और दूध हमारा अच्छे से उबाल लेंगे हम। और ये डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून, मैंने डाला इसमें इलायची पाउडर। और दूध में जब उबाल आ जाएगा, देखिए जैसे कि अभी आ चुका है उबाल, तो अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। और सेवइयों को बस हमने इतना पकाना है कि सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इनको गाढ़ा नहीं करना है, ना ज़्यादा पकाना है। तो ये बस 2 से 3 मिनट में सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, इतना ही हमने इनको पकाना है। और इसमें हम अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेवइयाँ भी देखिए हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैंने इसमें इतना ही दूध रखना है। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड रखना है तो दूध की मात्रा और इसमें रख सकते हैं, और गार्निश करें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से। और बारिश के मौसम में इसका मज़ा लें, बहुत ही हेल्दी होता है।